सिंगल वाला भी है अच्छा जी। ये चूल्हा है, इसके ऊपर अभी हर किस्म का बर्तन रख सकते हो, ठीक है स्टील का, लवार, मार्बल का, हर किस्म का बर्तन रख सकते हो अच्छा। जी। और इसका ये जो रेट बड़े है, वाला, ये बड़े वाला है, ये भी इसके ऊपर डबल वाला तमाम है बर्तन काम करते हैं जी। हर किस्म के बर्तन दोनों के ऊपर रख सकते हो। अच्छा, अगर खाली स्टील वाला लेने, खाली स्टील वाला भी इसके ऊपर अभी खाली स्टील का बर्तन रख अच्छा, सकते इसके हो ऊपर सिर्फ खाली स्टील के बर्तन काम करेंगे जी। सही। अच्छा, इसकी कीमतें भी जरा बता दीजिएगा खान साहब, कीमतें क्या ये 5,000 रुपये के अच्छा रिया जाते खाली स्टील वाला, 4,500 रुपये का। अच्छा, ये 4,500 रुपये का जी। सही, ये भी लाट के आपके पास, ये सब लाट के बाहर के। इसके बिल्कुल आजकल गैस नहीं आते, बिजली का खर्चा बिल्कुल है नहीं। अच्छा, पूरे महीने का 150-200 रुपये का। क्या हाल है खान साहब, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ भाई। जी अल्लाह पाक एहसान। अच्छा, नई वैरायटी कौन सी है ये आपके पास भाई? बिजली इलेक्ट्रिक चूल्हे आए, हीटर आए, गीजर आए। अच्छा, आजकल गैस नहीं आते, बिजली वाले चूल्हे आए। अच्छा, ये बिजली वाले चूल्हे आ गए आपके पास? डबल वाला भी है, सिंगल वाला भी है। अच्छा जी। एक ये चूल्हे है, इसके ऊपर अभी हर किस्म का बर्तन रख सकते हो, ठीक है, स्टील का, लवार, मार्बल का, हर किस्म का बर्तन रख सकते हो। अच्छा जी। और ये जो बड़े वाला, ये बड़े वाला है, ये इसके ऊपर तमाम बर्तन काम करते हैं जी। हर किस्म के बर्तन दोनों के ऊपर रख सकते हो। अच्छा, अगर खाली स्टील वाला लेने, खाली स्टील वाला भी इसके ऊपर अभी खाली स्टील का बर्तन रख अच्छा, सकते इसके ऊपर सिर्फ खाली स्टील के बर्तन काम करेंगे जी। सही। अच्छा, इसकी कीमतें भी जरा बता दीजिएगा खान साहब, कीमतें क्या? ये 5,000 रुपये के। अच्छा, रिया जाते खाली स्टील वाला 4,500 रुपये का। अच्छा, ये 4,500 रुपये का जी। सही, ये भी लाट के आपके पास? ये सब लाट के बाहर के। इसके बिल्कुल आजकल गैस नहीं आते, बिजली का खर्चा बिल्कुल है नहीं। अच्छा, पूरे महीने का 150-200 रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, तो ये इनके पास ये लाट के इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं आजकल। बाकी गैस का बहुत मसला बना हुआ है, तो गैस सर्दियों में होती नहीं है, तो घर के लिए बेहतरीन चीज़ है। भाई कह रहे हैं कि इसका महीने का खर्चा भी कुछ नहीं है, बहुत कम ये वोल्टेज पे ये इलेक्ट्रिक चूल्हे चलते हैं। तो इसमें इनके पास सिंगल भी है और डबल दोनों तरह के हैं। अच्छा, ये जो डबल वाला, ये कितने का है? ये 10,000 रुपये का। अच्छा, ये डबल वाला इनके पास बड़े साइज़ का, ये आप लोगों का मिलेगा 10,000 रुपये का। एक इन्होंने ये देखा है जिसके ऊपर सारे बर्तन काम करते हैं, ये मिलेगा 5,000 रुपये का। और ये वाला मिलेगा आप लोगों को 4,500 रुपये का, जिसके ऊपर सिर्फ स्टील के बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं। वैरायटी भी है, बहुत मॉडल है। अच्छा, इसमें मॉडल बहुत है आपके पास? गीजर भी आए हुए हैं, हीटर भी आए हुए हैं। अच्छा, पूरा लाट आए हुए बाहर का, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास ये भी पड़े हुए हैं, ये मशीन है, ये ब्लेंडर जी, ये सिल्वर क्रश है, इसमें पत्थर भी डालोगे तो निकालेगा। अच्छा, इसका ब्लेड बड़ा अच्छा ब्लेड है, ठीक है, मुकम्मल स्टील का बना हुआ है, स्टील का बना, ठीक है जी। 4800 वाट है। अच्छा, ये 6,000 रुपये के। इसमें 2800 वाट लेने 4,500 रुपये का। अच्छा, इसमें दो तरह की जी, 4,500 और 6,000। सही। और ये जो दूसरा आपके पास पड़ा हुआ है, ये सिंगल मसाले वाला भी है, सिंगल जग है। अच्छा, ये 2,000 रुपये के, 2,000 रुपये का। ये भी सारे लाट के हैं? ये सब लाट का माल है, ये गैस वाला भी है, बिजली वाला भी है। अच्छा, ये थोड़ा 10 पीस डिस्प्ले की और बाकी पैक पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें आपके पास और भी वैरायटी है? बहुत वैरायटी है इसमें, ठीक है। सर, साथ साथ कीमतें भी बता देना। ये बड़ा पंखे वाला है, ये 5,000 रुपये का, ठीक है। इसके बाद ये आ जाते 2,000 का। अच्छा, वो आ जाते 1,200 का, ठीक है। ये हवा वाला हीटर है, हवा मारते हैं। अच्छा जी, ये 3,000 रुपये, 2,800, 2,500, इसमें 3 मॉडल है। अच्छा, ये गैस वाला आ जाते छोटा 6,000 रुपये। ये तो पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से जी, ये इधर का लोकल गैस वाले लोग। अच्छा, और ये आपके पास लाट वाले हैं जी? ये लाट वाले, सही। अच्छा, और एक ये आपके पास ये पड़ा हुआ, ये कौन सा है? ये लाट में आया हुआ, ये एसी वाला है। अच्छा, एसी वाला लाट में आया हुआ जी, ठीक है। दीवार के ऊपर भी लगा सकते हैं, रिमोट से चला सकते। अच्छा, रिमोट के साथ है जी। ये कितने का है? ये 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का, सही। तो ये इनके पास है, ये हीटर है एसी की तरह, रिमोट वाला हीटर है, ये आप लोगों को मिलेगा 8,000। मॉडल आए हुए 6,000 रुपये, इसमें भी छोटा बड़ा साइज। अच्छा, तो भाई कह रहे इसमें दो मॉडल, एक 6,000 रुपये का, एक 8,000 रुपये का। ये जो उन्होंने डिस्प्ले की, ये 8,000 रुपये का। बकाया इनके पास इसमें पैकिंग में भी पड़े, हीटर में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है, क्योंकि आजकल सर्दियों का सीज़न चल रहा है, तो हीटर में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी। तकरीबन कोई 1,000-1,200 रुपये से लेके 4,000-5,000 रुपये, 6,000 रुपये तक मुख्तलिफ रेट में इनसे आपको हीटर भी मिल जाएंगे। हीटर में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है। 6 लीटर से शुरू होते हैं। अच्छा, 100 लीटर तक पड़ा हुआ है। 6 लीटर से लेके 100 लीटर तक, मतलब अक्सर चाहिए वो भी है। अच्छा, के हिसाब से लेने 8 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। सही। बिजली वाला भी है, गैस वाला भी है, दोनों पड़ा हुआ है। अच्छा, जैसे आपके पास ये पैकिंग में पड़ा हुआ है गीजर, ये 8 लीटर के डिस्प्ले की हो भाई। अच्छा, ये किसी में सिंगल पैप आते, किसी में डबल पैप आते, ये 3 पैप है, तीनों कापर के। अच्छा, 24 घंटे पानी गर्म निकालेगा, 10-10 मिनट वक्त दिया बीच में, 24 घंटे 8-8 लीटर पानी करके निकालेगा। अच्छा, तो ये गीजर में आपके पास प्राइस स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ तक प्राइस जाती है? ये 8,000 शुरू होते हैं हमारे पास, 15,000 तक, 8,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक।
तो ये गीजर में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी। इनके पास इलेक्ट्रिक और गीजर, इलेक्ट्रिक और गैस में दोनों तरह के इनके पास गीज़र भी मिल जाएंगे आपको मुख्तलिफ प्राइजेज़ में। ये इन्होंने कुछ पीस डिस्प्ले किए हुए हैं बकाया इनके पास पैकिंग में पड़े हुए। अच्छा आपके पास ये चूल्हे भी लगे हुए हैं, इनके बारे में ज़रा बताइएगा। ये शीशे वाले चूल्हे भाई, तीन बर्नर वाला। अच्छा, सिंगल बर्नर में भी है, डबल बर्नर में भी है। ठीक है, फिटिंग वाला चाहिए सादा चाहिए दोनों मिलेगा। अच्छा, ऑटोमेटिक भी है सादा भी है, चूल्हे में बहुत वैरायटी है। सही, ये चूल्हे में आपके पास प्राइस मतलब स्टार्ट कहाँ से होती, कहाँ तक जाती है? 1500 से स्टार्ट होते हैं भाई, इसमें 15000 तक पड़ा हुआ है, 15-20000 तक पड़ा। अच्छा, 1500 रुपए से लेके 15-20000 रुपए तक। सही, 20000 रुपए के वो पांच बर्नर वाले हो, पांच बर्नर वाले। सही, वो किधर का बना हुआ है? वो लाट आया होता है जर्मनी का, इंग्लैंड का लाट आते बार। तो ये इनके पास ये चूल्हों की वरायटी पड़ी है, चूल्हों में भी आपको तकरीबन कोई 1000-1500 रुपए से लेके 15-20000 रुपए तक मुख्तलिफ रेंज में इनसे चूल्हे भी मिल जाएंगे। ये चंद एक पीस इन्होंने डिस्प्ले किए पकाए, इसमें भी आपको पैकिंग में इनके पास पड़े होते हैं बिल्कुल न्यू फ्रेश, तो चूल्हे में भी काफी इनसे आपको वैरायटी मिल जाएगी। नास्टिक भाई, सिंगल पीस भी मिलेगा। अच्छा, और पूरा सेट भी मिलेगा। ठीक है, हमारे पास 10-15 कंपनी का पड़ा हुआ है। सही, 6000 से शुरू होते हैं, इसमें तकरीबन 18000 तक पड़ा हुआ है, 6000 रुपए से लेकर 18000 तक। अच्छा, ये भी लाट के? ये भी लाट के, इसमें नास्टिक का भी है, मार्बल का भी है। अच्छा, मुख्तलिफ सेट है, बार इटली का, जर्मनी का, मुख्तलिफ लाट है मुख्तलिफ कंट्री। अच्छा, आपके पास जैसे ये पैकिंग में भी ये डिज्नी का, ये डिज्नी हो गया, ये इटली के डिज्नी ओरिजिनल। अच्छा, ये हो गया, इसके बाद ये वैरायटी हो गया। सही, बहुत नास्टिक में बहुत वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। अच्छा, ये अलग मॉडल है। अच्छा, ये 18 पीस के, ये 15 पीस हो के। अच्छा, मुख्तलिफ मतलब कि पीसों में होता है जी। सही, तो ये नास्टिक में भी आपको काफ़ी इनसे वैरायटी मिल जाएगी मुख्तलिफ रेटों में। नास्टिक में इनके पास तकरीबन 6000 रुपए से लेके 15000 रुपए तक मुख्तलिफ प्राइस में इनसे आपको नास्टिक के सेट मिल जाएंगे। हमारे पास बेकिंग वन भी है, सादा गरम करने वाला भी है। अच्छा, आपको बेकिंग वाला चाहिए वो भी मिलेगा, गरम करने वाला वो मिलेगा, डबल ऑप्शन वाला चाहिए वो भी पड़ा हुआ है। सही, इसमें 20 लीटर से शुरू होते हैं, तकरीबन 70 लीटर तक पड़ा हुआ है। अच्छा, 20 लीटर से लेके 70 लीटर तक, ये भी सारे लाट के जी। अभी ये 48 लीटर डिस्प्ले हुआ है। अच्छा जी, ये पड़ा हुआ 20 लीटर का। ठीक है, ये 32 लीटर का। अच्छा, बाकी पैकिंग में पड़ा हुआ बहुत वैरायटी मिलेगा वन। सही, अच्छा इसमें आपके पास रेट शुरू कहाँ से होते हैं, कहाँ तक रेट जाते हैं? 10000 शुरू होते हैं भाई, इसमें 28-30000 तक पड़ा हुआ है। 10000 रुपए से लेके 28-30000 रुपए तक। सही, ये बेकिंग वन में भी इनके पास काफी साइज आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े साइज में इनके पास ये भी पड़े हुए हैं, कोई 8-10000 रुपए से लेके 25-30000 रुपए तक मुख्तलिफ रेंज में आपको इसे बेकिंग वन में। इसमें इनके पास छोटे साइज भी है और बड़े साइज दोनों साइज इनके पास मौजूद। अगर कोई कमर्शियल यूज करने के लिए लेना चाहे तो कमर्शियल भी है इनके पास, और कोई घरेलू इस्तेमाल के लिए लेना चाहे तो घरेलू इस्तेमाल के लिए भी इनके पास काफी इसमें आपको वैरायटी मिल जाएगी। यही डिनर सेट में हमारे पास प्लास्टिक का भी है, मेलामेन का भी है, पत्थर का, चीनी का, बोंग का। अच्छा, बहुत वैरायटी है। इस तरह भी ये सादा प्लास्टिक लगा हुआ है, ये 4000 रुपए का सेट है, 8 बंदों का सेट है, 72 पीस है, 4000 रुपए का जी। अगर इसमें प्लेमिक्स कंपनी है ये लाट का। अच्छा जी, अगर ये चाहिए ओरिजिनल है। ठीक है, ये 8000 रुपए का सेट है। अच्छा, ये कितने पीस का होता है? ये 64 पीस के 8 बंदों का सेट है। सही, इसके बाद तेरे पत्थर का आ जाता है। अच्छा, ये पत्थर क्या है जी? सही, ये कितने का? ये 12.5 हजार का। 12.5 हजार का जी। सही, और इसमें आपके पास बोन के भी है? बोन का भी है, चीनी का भी है। अच्छा, बहुत है, पीछे वैरायटी बहुत बड़ा हुआ है। सही, तो ये इनके पास डिनर सेट की वैरायटी है, इसमें मेला माइन और पत्थर और बोन तीनों तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी। इसमें डिनर सेट में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी है, चंद एक प्लेटें उन्होंने डिस्प्ले की है बकाया इनके पास पैकिंग में पड़े हुए, इसमें भी आपको बेशुमार वैरायटी। डिनर सेट इनके पास तकरीबन कोई 4000 रुपए से लेके 18-20000 रुपए तक मुख्तलिफ रेंज में इनसे आपको डिनर सेट भी मिल जाएंगे। ये मेरे सिल्वर क्राश है मसाले वाले। अच्छा, इसमें 100-150 ग्राम वाले। अच्छा, इसमें छोटा से अच्छा ये छोटे वाले। ठीक है, फिर इसमें चोपर भी आ जाते हैं। अच्छा, चोपर में बहुत डिजाइन होंगे, सही डिजाइन हो गया। अच्छा, ये छोटा हाथ वाला हो गया। सही, चोपर में बहुत वैरायटी। अच्छा, ये चोपर है, इसकी कीमत क्या है? ये 4000 रुपए का चोपर है। अच्छा, इसमें छोटे मसाले वाले लेने, ये 1500 रुपए का। अच्छा, ये 150 ग्राम के, ये 5000 रुपए के, 100-150 ग्राम। ये सिल्वर क्रेस्ट का, ये 5000 रुपए का। इसमें अगर पत्थर भी डालोगे तो निकालेगा। सही। अच्छा, और एक ये फिलिप्स का आपका पास पड़ा हुआ है, ये 4000 रुपए का। अच्छा, ये 4000 रुपए का जी। सही, आगे मेरे ये पैनासोनिक के ब्लेंडर पड़े हुए हैं, ये 2500 रुपए के 2-in-1 है, मसाले वाला भी है, जग भी है। सही, और ये ऊपर नेशनल का, इसमें सेम यही प्राइस है? ये 4000 रुपए की भी। 4000। ठीक है, तो ये चॉपर में भी इनके पास काफी वैरायटी मिलेगी। इनके पास ये सारे लॉट के चॉपर पड़े हुए हैं, फिलिप्स और नेशनल दोनों तरह के इनके पास ये पड़े हुए, 4000 रुपए का ये आपको मिलेगा, इसमें भी इनके पास काफी वैरायटी। अच्छा, ये कीमा मशीन है, ये सीको वाली मशीन है जी। क्या कीमत है इसकी? इसमें दो डबल ऑप्शन है। अच्छा, अगर गोश्त पकड़ते पीछे रिवर्स भी हो जाते हैं। अच्छा,
जी ये 8000 रुपए के, फिर इसमें ये वाले आ जाते हैं 7000 रुपए के जी, ये वाला 7000 रुपए का, ये वाला 8000 रुपए का। सब यूज कर लो। अच्छा कमर्शियल के लिए है जी। सही, इसको गर्मी भी यूज कर सकते हैं, कमर्शियल दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई आपके पास ये जो एयर फ्रायर पड़े हुए हैं भाई, ये 5 लीटर के 7 जोड़ पड़ा हुआ जी पावर का, ये छोटा साइज है। अच्छा जी, वो बड़े वाला 12000 रुपए के। अच्छा छोटे वाले 9000 रुपए के। 9000 रुपए का। इसमें एयर फ्रायर भी है, डीप फ्रायर चाहिए वो भी है, आटे वाली मशीन भी है साथ। अच्छा जी, सब थोड़ा हुआ सही। अच्छा आगे ये जो मशीनें आपके पास पड़ी हैं, ये कौन सी मशीनें हैं? ये आटे वाली, आटे घूमने वाले, साथ डीप फ्रायर है जी, साथ गाजर वाली चूज है सिंगल पीस। सही, तो इनकी क्या क्या कीमतें हैं? ये सिंगल मशीन 6000 रुपए के, डीप फ्रायर 8000 रुपए के। अच्छा डीप फ्रायर 8000 रुपए। ये आप देख सकते हैं इनके पास ये फ्रायर में भी मशीनें पड़ी हैं, और ये आटे वाली मशीन भी इनके पास पड़ी हैं, इसके पास ये जूस निकालने वाले भी इनके पास मशीनें पड़ी हैं। इनके पास जितने वराइट टोटली लाड की चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ कंट्रियों के इनके पास ये लाड की चीज़ें होती हैं, इसमें आपको काफ़ी वराइटी इनसे मिल जाएगी। घरेलू इस्तेमाल की तमाम चीज़ें इनसे आपको मिलेंगी मुख्तलिफ प्राइस में इनके पास। अगर मार्केट से आप परचेज़ करते हैं तो मार्केट में इसके रेट डबल होते हैं, इनके पास काफ़ी मुनासिब प्राइस में आपको ये तमाम वराइटी इनसे मिल जाएंगी। ये सलामत पूरा कंटेनर मार्केट में इनकी ये गोदाम है, तो कोई इधर आना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर आपको मिल जाएगा। ये भाई सिंगल पीस का भी है, 3 पीस आउट पार्ट भी मिलेगा, अगर कूलर के साथ देना मुकम्मल सेट भी है। अच्छा कोई सेपरेट लेना चाहे तो सेपरेट में मिल जाएगा और कूलर के साथ मिल जाएगा जी। अच्छा इसमें आपके पास जो प्राइस है शुरू कहाँ से होती है, कहाँ तक प्राइस जाते हैं? 1000 रुपए शुरू होते हैं, 12-13 हजार तक पड़े हुए। अच्छा ये पूरा सेट कूलर सेट लेने ना, ये अभी 7000 रुपए के। अच्छा ये पूरा सेट 7000 रुपए का जी। ये भी लाड के जी, इसमें पहला सस्ती वाली है सादा प्लास्टिक का, 4000 रुपए का मुकम्मल स्टील का लेने वो भी है 4-4.5 हजार, वैरायटी के हिसाब से होते हैं, तकरीबन 10-12 हजार तक पड़ा हुआ है। अच्छा आपके पास ये प्रेशर भी पड़े हुए हैं, इनके बारे में बताइएगा। प्रेशर ये कढ़ाई वाला प्रेशर, कड़े शीशे का ढक्कन भी इसके साथ। अच्छा तो आप कढ़ाई भी बना सकते हो, प्रेशर भी बना सकते हो। सही, तो इसमें छोटा से बड़ा से इसमें तकरीबन 17 लीटर तक पड़ा हुआ है। अच्छा 17 लीटर, 5 लीटर से शुरू होते हैं 17 लीटर तक पड़ा। सही, ऐसी कीमत? इसमें मुख्तलिफ प्राइस है, ये 1500 के। अच्छा फिर इसके बाद ये आ जाते प्योर नास्टिक के। अच्छा नास्टिक ये 3500 का, ये 3000 रुपए कढ़ाई वाले लेने, ये 4000 रुपए का। ये कढ़ाई वाला 4000 रुपए का जी। ये भी लाट के? ये भी लाट के, लाट में बाहर। सही, प्रेशर में भी इनसे काफ़ी वरायटी आपको मिल जाएगी, तो ये 1500 रुपए से लेके तकरीबन 4000 रुपए तक मुख्तलिफ रेट में इनके पास प्रेशर भी पड़े हुए हैं। 10 पीसों वाले। अच्छा और ये फुल पैकिया किस्म का जूस सलाद केमा हर चीज़ निकालते हैं। अच्छा जी ये लाट में आया हुआ है, इसमें बहुत कंपनी मिलेगा जी, पावर का, नेशनल का, पेनासोनिक का, ये बड़े कम दुकानों के लोग बड़े महंगे इसका रेट है। ये लाट में आया हुआ है, इधर सर 10-12 हजार रुपये का मिलेगा। अच्छा आपके पास 10-12 हजार रुपये में मुख्तलिफ रेट। इनके पास ये फूड फैक्ट्रियाँ भी हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट कंपनी जी पावर है, पेनासोनिक है, मुख्तलिफ कंट्रियों के इनके पास, ये नेशनल का भी है, इसमें मुख्तलिफ कंट्रियों के इसमें आपको ये फूड फैक्ट्रियाँ मिलेंगी, तकरीबन कोई 8-10 हजार रुपये से लेके तकरीबन 12 हजार रुपये तक मुख्तलिफ रेट में इनके पास ये फूड फैक्ट्रियाँ भी हैं। ये भी इनके पास टोटली लाड की वरायटी है। इस्त्री में भाई बहुत मॉडल है, पानी वाला इस्त्री भी है, दूसरे सादा इस्त्री भी है। सही जी। और इसकी प्राइस 1500 शुरू होते हैं, 3500 तक पड़ा हुआ इस्त्री हमारा। अच्छा इस्त्री में आपके पास 1500 से लेके 3500 रुपए, अगर हल्का लोकल लेने वो 900-1000 रुपए का मिलेगा। अच्छा ये भी लाट के आपके पास? जी लाट के, ओरिजिनल बार के। सही, ये इस्त्री में इन्होंने 2 सैंपल में लगाई, मैंने इस्त्री में भी इनके पास काफी वरायटी है। इनके पास हर तरह की A to Z घरेलू इस्तेमाल की तमाम चीज़ें इनसे आपको मिल जाएंगी, तकरीबन इस्त्री में 1500 रुपए से लेके 3500-4000 रुपए डिफरेंट प्राइस में आपको इनसे इस्त्रियाँ भी मिल जाएंगी। इसमें इनके पास ट्यूमर और दूसरी सिंपल वाली दोनों तरह की आपको इस्त्रियाँ भी मिल जाएंगी। अच्छा भाई ये नास्टिक आपके पास ये जो वरायटी पड़ी है, ये भी सेट है कि खुले बर्तन ही है? ये खुले बर्तन है, कढ़ाई पैन, तवा, सॉस पैन, जो भी चीज़ें चाहिए कूलर भी मिल जाएगा, सेट चाहिए सेट भी मिल जाएगा। अच्छा ये किलो के हिसाब से देते हैं कि पर पीस के हिसाब से देते हैं? किलो के हिसाब से भी देते हैं, सिल्वर स्टील का नास्टिक का अगर अलग से पीस चाहिए लाट में। अच्छा ये लाट वाले पीस, ये सिंगल पीस है। अच्छा ये सिंगल पीस भी आप वैसे सेल कर देते हैं? 1000 रुपए का भी पीस है। अच्छा 1000 रुपए का पीस है। तो ये इनके पास नास्टिक में खुले बर्तन पड़े हुए हैं, कोई केजी के हिसाब से लेना चाहिए तो केजी के हिसाब से भी, अगर कोई सिंगल पीस लेना चाहिए तो पर पीस के हिसाब से भी इनसे आपको मिल जाएगा। ये भी इनके पास लाट की वरायटी है, इसमें भी आपको काफ़ी तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ये भी इनके पास टोटल लाट की चीज़ें हैं, और ये कोई पीस के हिसाब से कोई केजी के हिसाब से डिफरेंट प्राइस में, ये भी इनके पास लाट की वरायटी है। अच्छा ये आपके पास चूल्हे पड़े हुए हैं, इनके बारे में जरा बताइएगा। ये 3 बर्नर चूल्हे फुली ऑटोमेटिक, आप फिट भी कर सकते हो, ऊपर रखना चाहते हो ऊपर भी रख सकते हो। अच्छा इसका शीशा बहुत मोटा है, 10 mm का शीशा है इसका, 10 mm का जी। इसमें आ जाते हैं ये मार्बल का आ जाते हैं। अच्छा ये मार्बल वाला
इसमें डिजाइन है बहुत है, लकड़ी डिजाइन, जिस डिजाइन चाहिए आपको मिल जाएगा। अच्छा, कीमत इसकी? ये 10,000 रुपए के, ये ओरिजिनल चूल्हे इसमें 10,000, 12,000, 15,000 तक पड़ा हुआ है। फिर इसमें लोकल शीशे आ जाते हैं 8-10 इमिंग का, 6 इमिंग का, वो सस्ता हुआ रेट नीचे आ जाएगा, 7-8 तक आ जाएगा। ये भी इनके पास अभी न्यू ये स्टॉक आया हुआ चूल्हों का, भाई से मैंने कहा था एक दो सैंपल हमें खोल के दिखाए, तो ये इनके पास के इसे कौन सा, ये मार्बल वाला है जी, और ये ग्लास वाला है ना, ये ग्लास है 10 इंच शीशे, ये वाला ग्लास वाला और ये मार्बल में है। तो चूल्हों में भी इनके पास काफ़ी वैरायटी आ गई है, ये आप देख सकते हैं अभी न्यू स्टॉक आया है इनके पास चूल्हों में भी, चूल्हों में भी काफ़ी इनसे वैरायटी आपको मिल जाएगी। ये सारे इनके पास पैकिंग में चूल्हे पड़े हुए हैं, चूल्हों में इनके पास तकरीबन 1500-2000 रुपए से लेके तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये तक मुख्तलिफ रेट में आपको इनसे चूल्हे मिल जाएंगे, चूल्हों के तमाम तरह की रेंज इनके पास मौजूद है। अच्छा भाई, अपनी शॉप का नाम, फोन नंबर, एड्रेस बताइएगा। हफीज इलेक्ट्रॉनिक्स, सलामतपुरा, मशीनरी स्टोर, दरोगे वाला। अच्छा, हफीज इलेक्ट्रॉनिक्स जी। अपना मोबाइल नंबर बताइएगा। 0309-94-74-499। भाई ने अपना एड्रेस ही बता दिया आपको, अपना शॉप का नाम भी बता दिया, फोन नंबर बता दिया। कोई इनके पास आना चाहे या इनको ऑर्डर करना चाहिए, ऑनलाइन भी करते हैं, आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और इनकी शॉप का विजिट भी कर सकते हैं। इनके पास इंपोर्टेड और पाकिस्तानी दोनों तरह के बेशुमार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम और घरेलू इस्तेमाल के तमाम वैरायटियाँ इनसे आपको मिल जाएंगी। इनके पास लाट वाले और दूसरे मतलब है कि फ्रेश दोनों तरह की वैरायटी होती हैं, ज़्यादातर काम इनका लाट का होता है, लाट की चीज़ें इनके पास होती हैं। भाई ने अपना एड्रेस फ़ोन नंबर आपको बता भी दिया, मज़ीद आप इनकी शॉप का विज़िट भी कर सकते हैं। हफीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से इनकी शॉप है, आप ये दरोगे वाला कंटेनर मार्केट सलामतपुरा में इनकी शॉप है, स्क्रीन पे भी इनका नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप इनकी शॉप का विजिट भी कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान से आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह जिंदगी रहे एक नई वीडियो के साथ, फिर हाजिर होऊंगा। जब तक इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।